आपकी एंट्री होना चैप्टर 2 में तय है। कितने पढ़े लिखे हैं केजीएफ के सितारे, कहां भी था एक्टर यश का बचपन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है 2018 की सुपर हिट एक्शन ड्रामा फिल्म केजीएफ का सीक्वल केजीएफ चैप्टर 2। फिल्म इस साल 14 अप्रैल को रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में हमें बॉलीवुड और टॉलीवुड एक्ट्रेस का एक जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा। बता दें, चैप्टर 2 में आगे की कहानी देखने को मिलेगी और केजीएफ के बाकी दावेदार जैसे गरुड़ा, कभाई अधीरा और इनायत खलील की फिल्म में एंट्री होनी तय है। साथ ही फिल्म में इतने सारे मेल कैरेक्टर्स के बीच शायद फिल्म की अकेली एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी काफी लेफ्ट आउट फील कर रही थी, जिस वजह से ही फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने आगे कहानी में मुख्यमंत्री रमिका सेन के तौर पर रवीना टंडन को फिल्म में शामिल किया है। फिल्म में एक और एडिशन हुआ है जो है विजेंद्र इंगलिकी का कैरेक्टर का, जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आनंद इंगलिकी से है। लेकिन दोस्तों, आज बात रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ की होगी और आज हम आपको इन सभी सितारों की एजुकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं कि कितने पढ़े लिखे हैं आखिर केजीएफ के ये मुख्य कलाकार। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के उस किरदार की जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ काफी सारे ब्यूटी पेजेंट्स भी जीते। तो क्या आप बता सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं केजीएफ की रानी यानी श्रीनिधि शेट्टी की। फिल्म में श्रीनिधि की एंट्री कुछ इस तरह से हुई कि प्रशांत एक कन्नड़ भाषी नई हीरोइन ढूंढ रहे थे और उनके सामने श्रीनिधि प्रकट हो गई। हमारा मतलब है उनकी तस्वीरें नील के पास आई जो उन्हें तुरंत पसंद आ गई। वहीं चलते हैं अब फिल्म के उस दमदार कलाकार की ओर जो अगर आज एक एक्टर नहीं होते तो यकीनन एक स्कूल टीचर होते। जुहू के जमुनाबाई नरसी से अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद इन्होंने मुंबई के मीठी भाई कॉलेज के बीए में दाखिला लिया, लेकिन फिर एक्टिंग की वजह से इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही अधूरी छोड़ दी। आप गेस कर रहे होंगे, तो हम आपको एक छोटा सा हिंट देते हैं। इनके लंबे लंबे काले काले नागिन जैसे बाल हैं। जी हाँ, अपनी रवीना टंडन। रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1972 को हुआ। ये एक भारतीय एक्ट्रेस, मॉडल और प्रोड्यूसर है। आगे चलते हैं और गेस करते हैं इस एक्टर को जिनका कॉन्ट्रोवर्सी से पुराना नाता है, जिनके खून में ही एक्टिंग बसती है। अभी भी नहीं समझे? ए मामू, तो किसी को आंसर नहीं पता हो तो क्या फिर भी गेस करना जरूरी है? जी हाँ, मुन्ना भाई MBBS फेमस संजय दत्त केजीएफ की मेन अट्रैक्शन इस बार के। दत्त फिल्म में विलन अधीरा का किरदार निभा रहे हैं। संजय दत्त सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं जो दोनों बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं। अभिनेता ने सनावर के लॉरेंस स्कूल में पढ़ाई की। ये स्कूल हिमाचल प्रदेश में कसौली के पास स्थित है। हालांकि संजय की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या ये सिर्फ 12वीं पास है? चलिए कोई बात नहीं, हमारे जो नेक्स्ट एक्टर हैं वो डेफिनेटली पढ़े लिखे हैं। ये एक भारतीय फिल्म एक्टर, निर्देशक, निर्माता, टेलीविजन प्रेजेंटर और पॉलिटिशियन है जिन्हें साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें बैंगलोर के सेंट जोसेफ बॉयज हाई स्कूल से पढ़ाई की और बैंगलोर में ही सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ बिजनेस से ग्रेजुएशन की। इन एक्टर का कहना है कि कुछ भी करने का, लेकिन मेरा ईगो नहीं हर्ट करने का। ये सेंसिटिव एक्टर और कोई नहीं बल्कि प्रकाश राज ही है। वहीं हमारे नेक्स्ट कलाकार भी कुछ कम नहीं है। एक भारतीय स्पोक्स पर्सन, एक्टर, टेलीविजन पर्सनालिटी और पॉलिटिशियन है जो कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी से प्रेजेंट स्टेट स्पोक्स पर्सन है। वो कन्नड़ और तमिल फिल्मों में अपना काम के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बैंगलोर यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है और जिस एक्टर या एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो है जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े यानी मालविका अविनाश। अगर हम स्टार ऑफ केजीएफ यश की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो बता दें उनका बचपन मैसूर में बीता, जहां उन्होंने महाजन एजुकेशन सोसाइटी MES से अपनी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स को पूरा किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह फिल्म से जुड़े ये पढ़े लिखे कलाकार बड़े पर्दे पर धूम मचाते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।